अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे करेले की सब्जी। इसके लिए मैंने 250 ग्राम करेला लिया और इसको ऊपर से इसके पूरा छिलका निकाल कर इसे इस तरह पीसेस में पतला पतला कट कर लिया है। और चार मैंने बड़ी साइज़ की प्याज ली है, इसे चॉप कर लिया है। और चार लहसुन के जवे, इसे भी इस तरह से चॉप कर लिया है। और ये पाँच हरी मिर्चियाँ, इसे इस तरह से मैंने चॉप कर लिया है। और ये 2 टीस्पून अखा धनिया है, और सौंफ है 2 टीस्पून टेबल स्पून, और ये मंगरेल है, इसे कलौंजी भी कहते हैं, ये 1 टीस्पून के करीब है। इसे मैंने तवे पर भून लिया है धीमी आंच पर अच्छी तरह से। और इसका हम अच्छा सा एक इस तरह फाइनली पाउडर ऐसा बना लेंगे। इसे गीला नहीं करेंगे, बस ऐसे ही दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। और करेले को 1 टीस्पून नमक में हम और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और इसे अच्छी तरह से हाथों से मस लेंगे। इससे इसका जो कड़वापन है वो पूरा निकल जाएगा। इसमें ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, वरना करेला अक्सर कोई भी नहीं खाता है क्योंकि कड़वा लगता है। ये देखिए हरा पानी निकल गया। इसी तरह से इसे अच्छी तरह से हम निचोड़ लेंगे। और देखिए मैंने इसे अलग कर लिया है, ये देखिए ये कितना इसमें ग्रीन पानी निकला है। और ये करेले मैंने इसमें से अलग कर लिए। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल गर्म करने रख लिया है। अब हम इसमें करेले ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं कि एकदम डार्क ब्राउन हो जाए, नहीं बस हल्का सा 2-3 मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरह चलाकर हाई हाई फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। वरना अगर स्लो फ्लेम रहेगा तो ये एकदम नरम पड़ जाएंगे। अभी से ही हाई पे हम इसे करेंगे। देखिए इस तरह से होना चाहिए, बस ज़्यादा नहीं। अब मैंने उसी कढ़ाई में और 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, और इसमें ये लहसुन जो मैंने चॉप करके रखे थे इसमें ऐड कर लिए हैं। इसे हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाने देंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, और प्याज को भी लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और हाँ, करेले को हम जितना पतले पीसेस में काटेंगे उतना ही वो कम कड़वा लगता है, और अगर हम उसे मोटा मोटा रख देंगे तो कड़वा ज़्यादा लगता है। और इस पॉइंट पे मैंने इसमें मिर्ची ऐड कर दी, और उसके फ़ौरन बाद ही मैंने इसमें करेले ऐड कर लिए। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से चलाएंगे। अब हम अपनी आंच एकदम स्लो कर लेंगे, और नमक भी इसमें हम कम ही ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून के करीब मैंने ऐड किया है। और हल्दी का पाउडर, मिर्च पाउडर इसमें 1 टीस्पून ऐड किया है। और इन सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से चला लूँगी। और आधे टमाटर का मैंने इसमें यूज़ किया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो टमाटर को स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने मेरे घर के अचार में से एक पीस अचार का इसमें डाल दिया है, एक गुठली आम की, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। और ये जो मैंने धनिया, सौंफ और मंगरेल का जो मैंने पाउडर बनाया था वो भी इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इन सब चीज़ों को मिलाकर ढक देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर हम बनाएंगे। करेले तो हमारे पहले ही हाफ डन हो चुके हैं, और इतनी ही देर में ये अच्छी तरह से पक जाएंगे। ये देखिए करेले की सब्जी हमारी बनकर तैयार है। ये देखिए भी एकदम तैयार हो चुकी है। अब हम इसे बर्तन में सर्व कर लेंगे, और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। और आप इसी तरह से बनाएं, ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा।